तो भी सबसे बड़े लफड़े की शुरुआत हो चुकी है। सबसे बड़ा कलेश इस साल का मोदी वर्सेस योगी। एंटिसिपेशन लगाई जा रही थी कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद योगी जी को मोदी जी हटा देंगे और अब उसके मंसूबे देखने को यहां पर मिल रहे हैं। एक बहुत बड़ी न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। कल एक रिव्यू मीटिंग करी गई बीजेपी यूपी की और उसमें केशव प्रसाद मौर्य ने जो है, जो कि डिप्टी सीएम है यूपी के, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को स्ट्रांगली अपोज किया है अपने स्टेटमेंट से। योगी आदित्यनाथ डिप्टीज डिफरिंग व्यूज एट रिव्यू मीटिंग, क्या कहा है एक बार देख लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन वॉज बिगर दैन द गवर्नमेंट, इज बिगर एंड विल ऑलवेज बी बिगर। इसके आगे हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा गया है, लेकिन ये बात बोली है साफ साफ डिप्टी सीएम ने सीएम के मुंह के ऊपर कि सरकार से बहुत बड़ी है ऑर्गेनाइजेशन, पहले भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। काफी दिन से माना जा रहा था कि मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है और काफी सारी न्यूज भी इसकी हमने देखी है, लेकिन ये तो भाई बहुत बड़ी न्यूज है अपने आप में। इनफैक्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो मोदी और अमित शाह के काफी ज्यादा क्लोज है। अगर मौर्य ने कुछ बोला है, स्ट्रांगली अपोज किया है योगी आदित्यनाथ को, तो ये डेफिनेटली हाईकमान से आया हुआ एक मैसेज है योगी के लिए। इनफैक्ट आपको ये भी दिखाना चाहता हूं कि इसी रिव्यू मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने यहां पर ये बोला कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस जो था उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर इतना भारी लॉस हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। अब जहां पर ओवर कॉन्फिडेंस को यहां पर साइट किया गया, ओवर कॉन्फिडेंस का नाम आते ही एक ही थोबड़ा आता है हमारे दिमाग में और वो है हमारे प्रिय प्रिय श्री 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 चीचा का थोबड़ा। मतलब एक तरफ योगी आदित्यनाथ मोदी के ओवर कॉन्फिडेंस को यहां पर ब्लेम कर रहे हैं यूपी में लॉस के लिए, वहीं दूसरी तरफ जो मौर्य है जो कि मोदी और शाह के बंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया सरकार जो है ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी नहीं है, तो इसलिए तुम हमारे को ओवर कॉन्फिडेंस का ज्ञान मत पेलो यहां पर फालतू का। इनफैक्ट ये बात इसलिए भी कही गई क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, कार्यकर्ताओं को कोई प्रेफरेंस नहीं मिलती है उत्तर प्रदेश के अंदर और इस बात की वजह से भी कार्यकर्ता काफी ज्यादा नाराज थे, जिसकी वजह से लॉस भी हुआ यहां पर। अब ये तो एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इसके अलावा भी बीजेपी यूपी में सब कुछ ठीक नहीं। आपको दिखाना चाहता हूं योगी जी के अपने मंत्री भी उनके पीछे हाथ धोकर यहां पर पड़े हुए हैं। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई से जनता नाराज, मंत्री संजय निषाद का यह दावा है कि जो बुलडोजर कार्रवाई थी उससे बीजेपी को भारी भरकम लॉस हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन फिर भी योगी जी का बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा। इनफैक्ट लखनऊ से बार बार हमारे सामने न्यूज आ रही है कि एक मोहल्ले को तोड़ने की यहां पर तैयारियां चल रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, उनके एग्जाम्स आने वाले हैं, 50-50 साल से लोग वहां पर रहते हैं और बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, लेकिन फिर भी वहां पर घरों को तोड़ा जाने वाला है। इसी के साथ एक और न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं, बदलाव की ये काफी बड़े बड़े संकेत हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। जहां पर एक तरफ योगी जी के डिप्टी सीएम और उनके एक मंत्री उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं और उनको यहां पर ब्लेम कर रहे हैं, वहीं पर आपको दिखाना चाहता हूं मोदी जी की मंत्री भी यहां पर पीछे नहीं है। अनुप्रिया पटेल की यहां पर बात कर रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस से एक इंटरव्यू में अनुप्रिया पटेल ने बात कही है कि प्रधानमंत्री के बात करने के तरीके में बदलाव आया है। अब यह बीजेपी नहीं एनडीए है। जब यूपी के लॉस के बारे में, 400 पार के बारे में बात करी गई, तो मोदी जी की मंत्री अनुप्रिया पटेल यहां पर कह रही हैं कि अब यह बीजेपी नहीं एनडीए है, मोदी जी के बात करने के तरीके में बदलाव आ चुका है। मतलब 240 पर क्या है, मोदी जी को छोटे छोटे लोग यार यहां पर शिक्षा और ज्ञान देकर चले जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर वो गोदी मीडिया जो दिन रात योगी योगी मोदी मोदी आरतियां करती रहती है, अब योगी जी के लिए क्या कह रही हैं अंजना दीदी, यहां पर देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। क्या यूपी में परिवर्तन होगा और एक शो बकायदा बनाया गया प्राइम टाइम पर जहां पर योगी आदित्यनाथ को हटाने की बातें जो करी जा रही थी वो सच हो सकती है आने वाले दिनों में, इसके ऊपर एक थ्योरी करके बताई गई अंजना ओम कश्यप के द्वारा, विच क्लियरली शोज कि भाई कोई ना कोई बदलाव तो यहां पर डेफिनेटली होने वाला है और उसके लिए एक बड़ी भूमिका बनाई जा रही है मोदी के गोदी मीडिया के द्वारा। इसी के बीच में योगी आदित्यनाथ चुप रह जाए, उनकी तरफ से कोई जवाब ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। एक वीडियो सामने निकल कर आया जहां पर योगी आदित्यनाथ 2024 का जिक्र नहीं कर रहे और साफ साफ बता रहे हैं कि भैया 2024 में मोदी जी किस तरीके से यूपी में फेल हो चुके हैं। जीत का ये सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा, यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए, याद रखना। जीत की बात यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन 2024 का नाम तक यहाँ पर नहीं ले रहे, विच क्लियरली शोज कि बीजेपी के अपने लोग योगी आदित्यनाथ तक इस बात को नहीं मानने को तैयार हैं कि बीजेपी 2024 में जीती है। ये जीत जो है ये भाड़े की जीत है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अब जहां पर एक तरफ यूपी में तो घमासान मचाई हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहता हूं महाराष्ट्र के अंदर भी घमासान मचना शुरू हो चुका है, क्योंकि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर आनंद का एक स्टेटमेंट सामने आया है जहां पर उन्होंने ये बात बोली है कि जिन्होंने भी उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई है उन्होंने विश्वासघात किया है
और विश्वासघात करने वाला हिंदू हो ही नहीं सकता। ये अपने आप में काफी बड़ा स्टेटमेंट है। आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध, ये वही शंकराचार्य हैं जिनके पैरों में दो दिन पहले मोदी जी अंबानी के रिसेप्शन में गिरे चले जा रहे थे, उनके पैर छू रहे थे और भक्त उसके बाद कह रहे थे कि मोदी जी और शंकराचार्य एक साथ हैं, शंकराचार्य का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है, देखो देखो लिबरल्स को कैसी आग लग गई यहाँ पे। लेकिन अब वही भक्त ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे, चूहे के बिल में जाकर के दुबक चुके हैं बेचारे। इनफैक्ट फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्टेटमेंट, उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है, जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। अब उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात किसने किया है? स्वयं यहाँ पर मोदी जी ने किया है, मोदी जी ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर किया है। और यहाँ पर शंकराचार्य जी साफ साफ कह रहे कि जो विश्वासघात करता है वो सनातन धर्म के हिसाब से हिंदू हो ही नहीं सकता। तो सनातन धर्म के हिसाब से हेंस प्रूव्ड मोदी जी और एकनाथ शिंदे असली हिंदू है ही नहीं। इनफैक्ट शंकराचार्य जी यहीं पर नहीं रुकते, एकनाथ शिंदे की पनौतियां लगाने में, मोदी जी की पनौतियां लगाने में आगे क्या कहते हैं जरा एक बार सुनो। भक्तों को काफी मिर्चे लगने वाली होंगी और भक्तों का रिएक्शन क्या है वो भी आगे दिखाऊंगा आपको। पता भी चल चुका है, अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है और ये ठीक नहीं है। ये जनता का भी अनादर है, जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। बीच में सरकार को तोड़ देना और बीच में जनमत का अनादर करना ये अच्छी चीज नहीं। बीच में सरकार को तोड़ना, बीच में अनादर करना ये अच्छी चीज नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर शंकराचार्य जी ये भी कह रहे हैं कि अब तो जनता बता चुकी है कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है, मतलब तो धर्म गुरु तक यहाँ पर कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और मोदी जी जो है धर्म के नाम पर सिर्फ पाखंड कर रहे हैं और जो वो चीजें कर रहे हैं वो सनातन धर्म के पूरी तरीके से एंटी है। लेकिन उसके बावजूद भी भक्तों का यहाँ पर क्या रिएक्शन है और इनके रिएक्शन से पता चलता है कि ये कोई सनातन धर्म के भक्त नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी के भक्त हैं। अपने स्क्रीन पर इसको देखो, लेफ्टिनेंट अनूप वर्मा रिटायर्ड यहाँ पर लिख रहे हैं शंकराचार्य ? डियर हिंदूज वी हैव अ मच बिगर फाइट इन आर हैंड्स। और नीचे एक फोटो लगाई गई, जिनको नहीं पता है कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देना चाहता हूं, ये फोटो जो है जॉली LLB 2 का एक सीन है जहां पर एक मुस्लिम आदमी जो है अपना भेष बदल करके एक हिंदू धर्म गुरु बना हुआ होता है और उसको साइट करके यहां पर कहा जा रहा है कि ये शंकराचार्य हैं ? इसके अलावा एक और देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, नकली शंकराचार्य। सुप्रीम कोर्ट और ज्योतिष पीठ उत्तराखंड ने भी अभी मुक्तेश्वर आनंद को शंकराचार्य को मानने से मना कर दिया था क्योंकि वो अयोग्य थे। मतलब शंकराचार्य को भी नकली शंकराचार्य यहां पर कहा जा रहा है, कितने ज्यादा छिछोरे और कितने नीच हैं ये लोग। इसके अलावा ज्योतिष पीठ उत्तराखंड की बात करी जा रही है, अबे वो ज्योतिर्पीठ है, ज्योतिष पीठ नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि इनको हिंदू धर्म का कितना ज्यादा ज्ञान है। इनफैक्ट आपको आगे चल के दिखाना चाहता हूं, शंकराचार्य जी यहीं पर नहीं रुकते, केदारनाथ के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े करे और यहाँ पर भी सरकार को एक तरीके से टारगेट किया है। तो सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहां का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब हो चुका है और ये वही केदारनाथ है जहां पर मोदी जी जाकर मेडिटेशन कर रहे थे, वहां से सोना गायब हो जाता है। इसके बारे में कोई बात तक नहीं कर रहा है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन तो दूर की बात है। मतलब साफ साफ यहां पर शंकराचार्य जी ने सरकार को एक्सपोज करके रख दिया, ये है हिंदुओं की सरकार। अगर कोई आदमी इनको हिंदू हृदय सम्राट और हिंदुओं की सरकार कहता है ना तो वो सबसे बड़ा डैश बन रहा है इस टाइम पर। इसके आगे जब शंकराचार्य जी से पूछा गया कि मोदी जी के बारे में उनका क्या ख्याल है, मोदी जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया था दो दिन पहले, तो उन्होंने ये भी कहा कि वो मोदी जी के अगेंस्ट नहीं है। और ये सही बात है यार कि मोदी जी के कोई अगेंस्ट नहीं है, यहां पर हम भी मोदी जी के अगेंस्ट नहीं है, हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है यहां पर किसी घर की। हाँ वो हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया, हमारा नियम है हम लोग आशीर्वाद देंगे, जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, हम उनके हितैषी हैं, सदा उनके हित की बात कह रहते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको भी कहते हैं,
कि तुमसे ये गलती हो रही है, वो हमारे दुश्मन नहीं है। तो भैया तमाशा काफी तगड़ा इस टाइम पर चल रहा है। एक तरफ तो बीजेपी यूपी, उसके अलावा बीजेपी महाराष्ट्र में भी आने वाले दिनों में एक तमाशा देखने को मिलने वाला है। शंकराचार्य जी के स्टेटमेंट से इस टाइम पर खलबली काफी तेज हो चुकी है। इसके अलावा खलबली कितनी तेज है इसको दिखाने के लिए एक न्यूज और दिखाना चाहता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर। राज्यसभा में बीजेपी की सीटें घटकर 86 हो चुकी है, एनडीए 101 पे आ गई है। इनफैक्ट आपको साथ बता देना चाहता हूं कि बीजेपी एनडीए जो है राज्यसभा में इस टाइम पर माइनॉरिटी में आ चुकी है। यस, मेजॉरिटी से हाथ खो चुके हैं वो लोग। नरेंद्र मोदी लेड एनडीए फॉल्स शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी मार्क इन राज्यसभा एज 4 नॉमिनेटेड मेंबर्स रिटायर। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यहां पर ये कि आने वाले टाइम में बहुत सारे बिल पास कराने हैं मोदी जी को, तो राज्यसभा में बिल कैसे पास होंगे, और अगर बिल पास नहीं होंगे तो भैया काफी किरकिरी यहां पर हो जाएगी। साथ ही आपको ये बता देना चाहता हूं कि बीजेडी ने अपनी सपोर्ट वापस ले ली है मोदी जी से, काफी भारी पनौती लगने वाली है। 23 जुलाई को यहां पर शुरू होगा पार्लियामेंट का पूरा सेशन जहां पर बजट पेश किया जाएगा, और राज्यसभा में माइनॉरिटी की वजह से सरकार की यहां पर काफी पनौतियां लग सकती है, देखने में काफी मजा आएगा। इसके साथ जाते जाते एक और न्यूज दिखाना चाहता हूं, लेकिन ये वाली न्यूज सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ भक्तों के लिए स्पेशल न्यूज मैं लेकर के आया हूं। अपनी स्क्रीन पर देखो भक्तों, भारत ने फिलिस्तीन की बड़ी मदद की है। $25 लाख की पहली किस्त जारी यहां पर करी है फिलिस्तीन को, $25 लाख इंडिया ने दिए हैं। वाह, तालियां हो जाए इसके लिए। और यहां पर भक्त बैठ के बात कर रहे हैं इजराइल माता की जय के बारे में। हर बार की हर लड़ाई में बीजेपी के जो लोग हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो फिलिस्तीन के किस तरीके से अगेंस्ट बातें बोलते हैं, फिलिस्तीन के ऊपर अगर क्रुएल्टी भी होती है उसको भी जस्टिफाई करने का काम करते हैं, लेकिन यहां पर उनके मोदी जी $25 लाख की एक एड भेज रहे हैं। अब भक्तों इसके ऊपर क्या बोलोगे मोदी जी से, जरा ये बता दो कमेंट सेक्शन में। इसके साथ आपका क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मोदी वर्सेस योगी के कलेश में किसकी जीत होगी, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।